Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IS. This is Ramesh and today we are going to discuss a very important, very 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 important scheme. और इस स्कीम के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और इस स्कीम से रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहाँ पे आपकी मदद करने वाला है, हम वो सारी कुछ आज डिस्कस करेंगे. विल ट्राई टू कवर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस स्कीम. बट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज UPSC सिविल सर्विसेज, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एंड EPFO सब कुछ अवेलेबल है. इससे रिलेटेड सारे टेस्ट सीरीज जो है वो भी अवेलेबल है. जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की डेट पोस्टपोन हो चुकी है, तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो आपको बहुत ही मदद करेगा. इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक abhipedia.abhimanyu.com पे विजिट करें और सारे कोर्सेज के बारे में जानकारी लें. ये जो स्कीम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ये आती है GS पेपर 2 के अंदर. गवर्नेंस सेक्शन के अंदर एक टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, वहाँ पे ये आपकी हेल्प करने वाला है. हमारी जो टेस्ट सीरीज है जो 8,500 रुपये की आती है वो अभी 70% डिस्काउंट पे मिल रही है. आपको 2,500 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल रही है जिसमें टोटल 30 टेस्ट हैं, 16 सेक्शनल टेस्ट हैं, 10 GS कंप्लीट मॉक है और 4 CSET मॉक है. ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे हमारा नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉल एनी टाइम. चलिए तो बात करते हैं हमारी आज जो स्कीम है या हमारा जो टॉपिक है आज का, वन नेशन वन राशन कार्ड. बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपने जानना बहुत ही ज़रूरी है. और जैसे कि आपको पता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द COVID-19 क्राइसिस माइग्रेंट्स की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और एक्चुअल में जो माइग्रेंट्स की इश्यूज़ थी वो अब ज़्यादा सरफेस हो गई हैं. दिस इशू इज टर्निंग आउट टू बिकम अ हॉट पोटैटो नाउडेज. तो चलिए पहले हम जानते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड जाने से पहले हम बैकग्राउंड जानते हैं कि एक्चुअली में ये राशन कार्ड होता क्या है. ठीक है, राशन कार्ड्स आर एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू हाउसहोल्ड दैट आर एलिजिबल टू परचेज सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स फ्रॉम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, उसके तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि राशन कार्ड सब्सिडाइज्ड रेट में जो भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं, जो भी बेनिफिशरीज हैं, उनको ये सारे इनका लाभ पहुंचाया जा सके. तो राशन कार्ड होता क्या है? राशन कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है फॉर व्हाट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. ठीक है, दे ऑल्सो सर्व एज अ कॉमन फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर मेनी इंडियंस. इट इज़ ऑल्सो कॉमन फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन. मतलब कि अगर आपके पास राशन कार्ड है किसी चीज़ के लिए, किसी डॉक्यूमेंट, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो उस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए आप राशन कार्ड भी एज अ फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया हैव टू आइडेंटिफाई हाउस होल्ड दैट आर एलिजिबल फॉर परचेजिंग सब्सिडाइज फूड ग्रेन फ्रॉम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड प्रोवाइड देम विद राशन कार्ड्स. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया पब्लिक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसके लिए ये राशन कार्ड बनाया गया है. देर आर टू टाइप ऑफ राशन कार्ड्स अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत दो तरह के राशन कार्ड अभी बन रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं कि अभी दो टाइप के राशन कार्ड हैं, प्रायोरिटी राशन कार्ड और अंत्योदय राशन कार्ड. लेकिन इससे पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से पहले तीन तरह के राशन कार्ड होते थे. दैट इज BPL फैमिली के लिए एक बनती थी, एक APL फैमिली की दैट इज अबव पॉवर्टी लाइन, और एक तीसरा बनता था अंत्योदय फैमिली दैट इज पुअरेस्ट ऑफ द पियर, सबसे गरीबों में गरीब जो हैं, गरीब से गरीब जो होते हैं उनके लिए. तो तीन तरह के पहले होते थे, पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बाद 2013 के बाद दो तरह के राशन कार्ड बनने लगे. कौन सा? एक प्रायोरिटी राशन कार्ड. प्रायोरिटी राशन कार्ड के तहत क्या है कि हर व्यक्ति को 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मेंबर मिलेगा. हर व्यक्ति को 5 kg फूड ग्रेन्स हर महीने मिलेगा. अंत्योदय फैमिली के अगर कोई बिलोंग करते हैं दैट इज पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, तो उन्हें 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स मिलेगा हर महीने ईच पर्सन. 35, ठीक है. वन नेशन वन राशन कार्ड. अब वन नेशन वन राशन कार्ड, हाउ दिस स्कीम केम इन टू द लाइमलाइट, कैसे आया, तो उसके बारे में पहले हम जानते हैं कि बैकग्राउंड क्या था. पार्थ मुखोपाध्याय वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन इन 2017 रिकमेंडेड पोर्टेबिलिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेनिफिट्स. पार्थ मुखोपाध्याय के अंतर्गत एक वर्किंग ग्रुप बनाई गई और उस ग्रुप में यह एडवाइस किया कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप पोर्टेबल कर दें. पोर्टेबल अगर आप कर देंगे तो माइग्रेशन या माइग्रेंट्स की जो इशू हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी. तो उन्होंने ये रेकमेंड किया एन इंट्रा स्टेट एक्सेस टू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंडर द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज ऑलरेडी इन प्रैक्टिस इन फ्यू स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा एट्सेट्रा. ठीक है, तो आपको पहले मैं ये बता दूं कि इंट्रा स्टेट
पोर्टेबिलिटी क्या होता है? इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी ये है कि एक ही स्टेट के अंदर, हर एक बहुत तरह के फेयर प्राइसेस शॉप अवेलेबल हैं। तो एक पर्टिकुलर रीजन में या एक पर्टिकुलर तालुक में या एक पर्टिकुलर पंचायत में हो या एक पर्टिकुलर ब्लॉक से हो या पंचायत से हो, तो वहाँ पे एक असाइन किया गया है एक फेयर प्राइस शॉप कि हाँ इस एरिया में टोटल ये फेयर प्राइस शॉप ही सब लोगों को ये सब्सिडाइज फूड ग्रेन प्रोवाइड करेगा। बट इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी ये है कि अब सिर्फ उस फेयर प्राइस शॉप से ही नहीं, एक व्यक्ति एक स्टेट के अंदर किसी भी फेयर प्राइस शॉप में जाके अपनी सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स अवेलेबल कर सकता है। ठीक है, तो ये स्कीम कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा एक्सेट्रा कुछ स्टेट्स में लागू ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान पे रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है प्रीलिम्स के लिए। इट विल बी अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम July 1, 2020। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। कभी स्टेटमेंट ऐसा बोल दे कि इट हैज ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड फ्रॉम July 1, 2019, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि 2020 से लॉन्च होगा। ठीक है, 2016 के अंदर एक क्वेश्चन, एक बार ये ईयर को मेंशन करके एक बार क्वेश्चन पूछा गया है इकोनॉमी के पेपर में, इकोनॉमी के क्वेश्चन में। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंट्रोड्यूस नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड होल्डर्स अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत आप ऐसा करें कि उस राशन कार्ड को ऑल ओवर इंडिया पे पोर्टेबल कर दें। मतलब कि एक इंसान कोई भी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता हो या कोई भी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता हो, वो इंडिया के अंदर कहीं से भी सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स अवेलेबल कर सकता है। ठीक है, उसी एक ही एग्जिस्टिंग पुराने वाले राशन कार्ड से ही वो सारे इंडिया पे कहीं पे भी सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स खरीद सकता है। ठीक है, ये माइग्रेंट्स को टारगेट करके ये स्कीम बनाई गई है कि जैसे लोग बिहार से हो, उड़ीसा से हो, छत्तीसगढ़ से हो, यूपी से हो, लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जाते हैं और ये सारे लेबरर्स होते हैं, डेली वेजेस होते हैं, तो इनको बहुत सारी तकलीफें होती हैं क्योंकि ये जो सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये पोर्टेबल हो जाता है तो जहाँ पे भी रह रहे हैं, जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी वो माइग्रेट होकर जा चुके हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल कर सकते हैं। अंडर द स्कीम द बेनिफिशियरीज कैन बाय सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स फ्रॉम अ राशन शॉप इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया के किसी भी कोने पे जाके वो अपने राशन कार्ड से सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स किसी भी फेयर प्राइस शॉप से जाके या किसी भी डीलर से जाके वो खरीद सकते हैं। राशन कार्ड आधार लिंकेज इज मस्ट टू एक्सेस द स्कीम, ध्यान पे रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर द प्रीलिम्स। राशन कार्ड और आधार की लिंकेज बहुत ही मस्ट है। और राशन कार्ड और आधार की लिंकेज क्यों बहुत मस्ट की गई है, विल डिस्कस, हम देखेंगे इसके बारे में। फिलहाल आप इतना जाने कि राशन कार्ड आधार की लिंकेज बहुत मस्ट है। अ पर्सन विल ओनली बी एलिजिबल फॉर द सब्सिडी सपोर्टेड बाई सेंटर सच एज दोज अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर द प्रीलिम्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो सब्सिडी मिल रही है वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत, आप वो ही फैसिलिटीज या वो ही सारे सब्सिडी फूड ग्रेन अवेलेबल कर सकते हैं या वो ही फूड ग्रेन अवेलेबल कर सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई है। फॉर इंस्टेंस कि अगर आप बिहार पे हो और आप महाराष्ट्र पे गए हो, महाराष्ट्र पे ऐसा है कि फूड ग्रेन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 5 kg पर व्यक्ति है, पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र के लोगों के लिए 10 kg पर मंथ दे रही है। तो आप अगर बिहार से महाराष्ट्र आए हो तो आपको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जो सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स है वही मिलेगी। मतलब 5 kg पर पर्सन जो है वही आपको मिलेगा सब्सिडाइज रेट पे। ठीक है, ना कि 10 kg, 10 kg सिर्फ महाराष्ट्र के जो निवासी हैं उनके लिए है। तो ओनली दी सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स या सब्सिडीज अवेलेबल बाय दिस सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मिल रहा है वही आपको अवेलेबल होगा, ना कि उस स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो अवेलेबल होगा। इवन इफ अ बेनिफिशियरी मूव्स टू अ स्टेट वेयर ग्रेन्स आर गिवन फॉर फ्री, ही और शी विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दोज बेनिफिट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के निवासी को फ्री में दे रही है, फ्री में एट नो कॉस्ट अगर दे रही है फूड ग्रेन्स, तो आपको नहीं मिलेगा। आप अगर वहाँ पे माइग्रेंट है तो आपको सिर्फ वही मिलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू में आ रही हैं, जैसे 3 rupees पर केजी राइस है या 2 rupees पर केजी वीट है, आपको सिर्फ वही मिलेगा, ना कि फ्री पे मिल रहा है। ऐसा नहीं, फ्री पे सिर्फ उसी स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं सिर्फ उसे ही मिलेगा। अब माइग्रेंट विल बी अलाउड टू बाई मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ फैमिली कोटा। देखिए,
ऐसा है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है प्रीलिम्स के लिए, एक बार में जैसे कि आप 5 मेंबर्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको पर पर्सन 5 केजी मिल रहा है, आपके घर पे 5 मेंबर है, टोटल 25 केजी हो गया है, तो आप 25 केजी में से सिर्फ 50% ही सब्सिडाइज रेट में एक बार में खरीद सकते हो इफ़ यू आर अ माइग्रेंट। अगर आप दूसरे स्टेट में जाके अवेलेबल कर रहे हो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन, तो आपको सिर्फ आपकी जो क्वांटिटी है या जो कोटा है उस कोटा का 50% ही एक बार में मिलेगा, ना कि पूरा, ठीक है। नो न्यू राशन कार्ड्स आर बीइंग मेड स्पेसिफिकली फॉर द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। आपको नए राशन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, इफ़ यू आर होल्डिंग द ओल्ड एग्जिस्टिंग राशन कार्ड दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू, नो नीड टू मेक और नो नीड टू गो फॉर अ न्यू राशन कार्ड, ठीक है। नया राशन कार्ड आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पुराने राशन कार्ड से ही आप सारे फैसिलिटीज अवेलेबल कर सकते हो या अवेल कर सकते हो। अंडर द स्कीम सेंटर हैज डिजाइंड अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर राशन कार्ड्स एंड हैज आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट्स टू फॉलो द पैटर्न व्हाइल यूजिंग अ न्यू राशन कार्ड्स फ्रॉम नाउ ऑन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है, कुछ स्टैंडर्ड सेट किया है कि आपसे जो नए राशन कार्ड आप बनाओगे तो आप ये स्टैंडर्ड को सामने या ये स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाओगे, ये फॉर्मेट जो है उसको फॉलो करके बनाओगे, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीज़न है इस फॉर्मेट को डिज़ाइन करने के पीछे। तो विल सी टू इट, इट वुड इंटीग्रेट द एग्जिस्टिंग पीडीएस सिस्टम पोर्टल्स ऑफ स्टेट्स यूटीज विद द सेंट्रल सिस्टम एंड पोर्टल। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी डिटेल्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी डिटेल्स होती है, तो आप ऐसा करेंगे कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये दोनों डिटेल्स हैं उसे हम मर्ज करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो सारा डेटा हमारे पास एक जगह अवेलेबल हो जाएगा। इससे क्या होगा, इसके क्या फ़ायदे हैं इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेट डेटा, ये जो पोर्टल्स को इंटीग्रेट करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा है, हम इसे बाद में डिस्कस करते हैं। बट अभी के लिए आप ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर द प्रीलिम्स, इंटीग्रेट द एग्जिस्टिंग पीडीएस सिस्टम पोर्टल्स ऑफ स्टेट्स यूटीज विद द सेंट्रल सिस्टम ऑफ पोर्टल्स। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, नो पुअर पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ गेटिंग सब्सिडीज फूड ग्रेन्स अंडर द फूड सिक्योरिटी स्कीम व्हेन दे शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब किसी को भी मना नहीं किया जाएगा, नो बडी नॉट अ सिंगल पर्सन विल बी डिप्राइव्ड कि आपको ये सब्सिडी वाली फूड ग्रेन नहीं मिलेगी क्योंकि यू डोंट बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर स्टेट, ऐसा कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। इट ऑल्सो एम्स टू रिमूव चांस ऑफ एनी वन होल्डिंग मोर देन वन राशन कार्ड टू अवेल बेनिफिट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। ये बहुत बड़ा एक इशू है कि एक व्यक्ति बहुत दो मल्टीपल राशन कार्ड्स लेके घूम रहा है, अपने स्टेट में भी है, दूसरे स्टेट में भी जा रहा है, वहाँ पे भी बना रहा है, तो दोनों जगह से बेनिफिट ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये खत्म हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अब जब इंटीग्रेट हो जाएगा सारा डेटा तो गवर्नमेंट के पास एक सेंट्रल, रिमेंबर दिस टर्म, सेंट्रल रिपोजिटरी, एक सेंट्रल रिपोजिटरी बनेगा जहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी या सेंट्रल रिपोजिटरी, डेटा रिपोजिटरी जो हम बोलते हैं, एक सेंट्रली तैयार होगा, और जब एक सेंट्रली रिपोजिटरी तैयार होगा तो वहाँ पे सारे डेटाज रहेंगे, तो डबल कार्ड्स कोई बना नहीं सकता क्योंकि ये आधार से भी लिंक रहेगा, और जैसे कि बायोमेट्रिक डेटा के थ्रू हम ये सारे चीज़ पता कर सकते हैं कि इसमें कोई किसी तरह की कोई डुप्लीकेसी ना हो, दैट इज़ वाई इट इज़ मैंडेटरी टू लिंक विद दी आधार, ठीक है। और जब भी आप खरीदने जाओगे सामान तो ध्यान पे रहे कि एक ई पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल आप जो बताते हो कि इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू ई पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स लगाई जाएंगी, और उसके थ्रू आपको ये सारी जो फूड सब्सिडी वाली फूड ग्रेन्स है ये अवेलेबल किया जाएगा, ठीक है, ताकि ये जो डुप्लीकेसी है ये ना रहे, ये खत्म हो जाए। ऐड टू द न्यूट्रिशन वैल्यू टू द पुअर कंज्यूमर्स। ऑब्वियसली अब देखिए, जिसके पास नहीं है, जो नहीं अवेल कर पा रहे हैं और दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर गए हैं या नहीं अवेल कर पा रहे हैं, तो अब वो क्या है, वो अवेल कर पाएंगे और उनकी जो न्यूट्रिशन इनटेक है वो भी फुलफिल होगी। ऐड टू इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री इन द सेंस कि सपोज कि मान लीजिए एक सपोज अ पर्सन इज रिसाइडिंग इन उत्तर प्रदेश और वो जॉब और वो कहीं चला गया है एज अ माइग्रेंट लेबर नॉर्थ ईस्ट में कहीं आसाम पे, अब उत्तर प्रदेश में भी अवेलेबल है और वो आसाम जाएगा वहाँ पे भी उसे अवेलेबल होंगी, तो उसे ये फीलिंग होगी कि नहीं मैं अपने कंट्री में हूँ, ऑल ये सारी टेरिटरी हमारी ये कंट्री की है, उसके अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी, बाइफर्केशन वाली फीलिंग नहीं आएगी, ही विल फील इंटीग्रेटेड। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है कोई भी कंट्री के लिए, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग एंड फॉर एनी पॉलिसी विदाउट एनी फेलियर, कोई पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होगी, इसके लिए इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चैलेंजेस क्या हैं, देखिए चैलेंजेस तो हमारे एग्जिस्टिंग पीडीएस सिस्टम में ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ सेंस, जैसे कि मैंने आपको ई पॉइंट ऑफ सेल की बात की, तो ई पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स हर एक फेयर प्राइस शॉप में लगी हुई नहीं है,
किसी किसी स्टेट में 10% है, किसी स्टेट में 50% लगी हुई है, किसी स्टेट में 70% लगी हुई है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं। तो इन सारी चीज़ों को पहले फुलफिल करना है, कंप्लीट करना है। ये पॉइंट ऑफ सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन से अगर नहीं लगती है तो इससे जो पर्पस है वन नेशन वन राशन कार्ड का, द पर्पस विल बी डिफीटेड। ठीक है, फिर से वो डुप्लीकेसी होगी, इसमें बहुत सारा करप्शन होगा फिर। ठीक है, और दूसरा जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्टोरेज फैसिलिटी FCI को क्रिएट करनी पड़ेगी। बहुत हर जगह स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, गोडाउंस प्रॉपर नहीं है, बहुत सारे फूड ग्रेन्स हैं जो रखे रखे गोडाउंस में ख़राब हो जाते हैं, ओपन में रखे ख़राब हो जाते हैं। तो दीज आर दी चैलेंजेस। इफ़ वन नेशन वन राशन कार्ड इज इम्प्लीमेंटेड, इट विल फर्दर बूस्ट करप्शन इन ऑलरेडी करप्टेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये बिल्कुल सही बात है। अगर इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं या कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स, इन सब चीज़ों में अगर ध्यान नहीं दिया गया तो करप्शन और भी हट बढ़ जाएगी, और मिडिल मैन हैं, बहुत सारे शॉप ओनर्स हैं जो करप्ट है, तो ये सारे प्रॉब्लम वो क्रिएट करेंगे। और इसे काउंटर करने के लिए सरकार ने ये तर्क दिया है कि हमारा मकसद ये है कि हम डी डुप्लीकेटिंग ऑफ राशन कार्ड, डी डुप्लीकेशन करेंगे। मतलब कि अगर हम ये सारे टेक्नोलॉजी अगर प्रोवाइड करते हैं, जैसे ई पॉइंट ऑफ सेल लिंकिंग राशन कार्ड विद द आधार, अगर ये सारे चीज़ या बायोमेट्रिक डेटा से ये सारे अगर हम करते हैं चीज़ें, तो फिर ये जो डी डुप्लीकेशन है ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। द स्कीम विल इंक्रीज द यूज ऑफ द कॉमन मैन एंड द मिडल मैन एंड करप्ट PDS शॉप ओनर्स विल एक्सप्लॉइट देम। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि है बहुत सारे PDS सिस्टम में शॉप ओनर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो वाकई में बहुत करप्ट है। वो ऐसा करते हैं कि जैसे कि उनकी तो एक मोनोपोली भी हो गई है कि एक पर्टिकुलर रीजन में देखेंगे, एक बड़े से रीजन में सिर्फ एक ही फेयर प्राइस शॉप है, या एक ही बंदे को असाइन किया गया है ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सब्सिडाइज फूड रेंज। अब वो क्या करता है, वो मोनोपोली है तो वो अपनी मनमर्जी करता है, कभी वो ज़्यादा रेट पे बढ़ा के भी बेचता है। 5 रुपये में दे, 3 रुपये पर केजी देना है तो वो 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये पर केजी भी देगा। ठीक है, उसके बाद फिर कभी ऐसा होता है कि वो बहाना देंगे, they'll provide excuses कि हाँ अभी हमारे पास राशन है नहीं, अभी आप जाओ, अभी आया नहीं है, अभी कम आया है, आपको 10 केजी के जगह 5 केजी देंगे। ठीक है, कि अभी कम आया है, सप्लाई कम आ रही है, तो इस तरह से वो करप्शन करते हैं, होल्डिंग करते हैं। और इनमें बहुत सारे मिडिलमैन भी हैं। ठीक है, कि FCI के पास से ये फेयर प्राइस शॉप में जब तक ये फूड ग्रेन्स पहुँचती है, इनके पीछे मिडिलमैन बहुत सारी हैं, जिसके वजह से ये शॉप ओनर्स भी अपनी रेट्स को बढ़ा देते हैं। तमिलनाडु हैज़ अपोज द प्रपोजल ऑफ सेंटर सेइंग इट वुड रिजल्ट इन अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस एंड इज अगेंस्ट फेडरलिज्म। देखिए, तमिलनाडु का ये कहना है कि ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। कैसे कि जैसे कि तमिलनाडु का ये कहना है कि कोई स्टेट 20 केजी दे रहा है, सम स्टेट इज प्रोवाइडिंग 20 केजी ऑफ फूड ग्रेन, सम स्टेट इज प्रोवाइडिंग एट अ वेरी लो कॉस्ट। ठीक है, सम स्टेट्स के बास्केट में PDS बास्केट में फूड ग्रेन्स के अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इस चीज़ को, इस बाइफर्केशन, इस डिफरेंशिएशन को हम कैसे कोप अप करेंगे? तो ये तमिलनाडु का कहना है कि इट इज़ अगेंस्ट द फेडरलिज्म, कि द सेंटर इज इन्फ्रिंजिंग या सेंटर इज कमिंग इनटू द डोमेन ऑफ द स्टेट्स, और ये इट इज़ अगेंस्ट द फेडरलिज्म। विद इन सम स्टेट इशू ऑफ इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी, इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी की इशू भी है। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेट में बहुत सारे ऐसे फेयर प्राइस शॉप होंगे कि जहाँ पे ई पॉइंट ऑफ सेल मशीन नहीं है, तो पहले तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चैलेंजेस हैं उसे फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंट्रा स्टेट जो पोर्टेबिलिटी है वो फुलफिल होगा। दीज आर दी चैलेंजेस, और ये जेन्युइन चैलेंजेस हैं। डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट रेट्स एंड दिस मिसमैचिंग रेट्स विल बी अ बिग चैलेंज। यस, रेट्स की भी मिसमैचिंग बहुत सारी है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रेट्स हैं, जिस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है उस हिसाब से रेट फ्लक्चुएशन है या रेट मिसमैच है, तो ये सारे इशूज हैं। This will provide significance क्या है, what is the significance? This will provide freedom to the beneficiaries as they will not be tied to any one PDS shop and reduce their dependence on one shop owners and curtail instances of corruption. जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्टेट में, एक रीजन पे एक ही फेयर प्राइस शॉप ओनर है और उसकी मोनोपोली हो चुकी है वहाँ पे। वो अपने हिसाब से, वो मनमर्जी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है सारी सब्सिडी वाली फूड ग्रेन्स। ठीक है, मनमर्जी करता है वो। बट अगर वन नेशन वन राशन कार्ड आ जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस सारे फुलफिल होंगे, और भी नए नए किसी को लाइसेंस दी जाएगी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तो ये जो मोनोपोली है शॉप ओनर्स की, ये खत्म हो जाएगी। लिंकिंग विद आधार रिमूव्स पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आधार से, राशन कार्ड को अगर आधार से लिंक कर दिया जाए, एक बायोमेट्रिक डेटा आपके पास आ जाएगा, तो एक तो सेंट्रल रिपोजिटरी भी बनेगी, एक सेंट्रल डेटा
डेटा बेस भी बनेगा और प्लस एक बायोमेट्रिक डेटा से जब लिंक रहेगा ये, तो करप्शन के चांसेस कम हो जाती है। जैसे कि एक बंदा एक ही स्टेट में अवेल कर रहा है, यहाँ स्टेट एक बंदा अपने नाम से कितने सारे राशन कार्ड लेकर घूम रहा है, यहाँ पे भी अवेल कर रहा है, वहाँ पे भी अवेल कर रहा है, तो ये जब एक प्रॉपर आधार से लिंक हो जाएगी, बायोमेट्रिक डेटा जब अवेलेबल रहेगा, तो सिस्टम में सारी चीज़ें एंटर करने से वो सारे डिटेल सामने आ जाएगी। ठीक है, अगर वो कहीं पे दूसरी जगह ले रखा है तो यहाँ पे फिर वो अवेलेबल वो दिखेगा कि हाँ ये ऑलरेडी अवेल कर चुका है, तो इस तरह से करप्शन खत्म हो जाएगी। नो एडिशनल कॉस्ट एक्चुअली बिकॉज दिस स्कीम गोज ऑन द एंटाइटलमेंट्स दैट आर मैंडेटेड इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सरकार का ऐसा मानना है कि हमें कुछ एडिशनल पैसे खर्च करने की या एडिशनल फंड्स रिलीज करने की जरूरत नहीं है। जो हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पैसा देते थे या फूड ग्रेन्स या जितने भी हम फंड रिलीज करते थे, वही फंड रिलीज करना है, उतना ही रिलीज करना है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास एग्जैक्ट डेटा होगा कि हाँ कितने राशन कार्ड्स हैं, कितने हैं, नहीं हैं, और उसके तहत जितना फंड रिलीज करना पड़ेगा हम उस हिसाब से ही करेंगे। ठीक है, तो दीज आर फ्यू ऑफ द चैलेंजेस, बेनिफिट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड। दिस स्कीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस। मेंस के लिए तो और प्रीलिम्स के लिए तो मैंने आपको बताया किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकती है, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको 10 मार्कर या 15 मार्कर मिलता है तो आई थिंक यू विल बी इजिली एबल टू हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे फॉर्डर पॉइंट्स मिल जाएंगे और अपने आप एक बहुत ही अच्छा आंसर तैयार कर पाओगे। तो दिस इज ऑल वी हैड फ्रॉम दिस लेक्चर, होप सो यू लाइक दिस लेक्चर। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, और वी विल बी कमिंग मोर ऑफ दिस टाइप ऑफ वीडियोस। अगर आपको भी किसी तरह की वीडियोस चाहिए या किसी टॉपिक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता दें, हमें इन्फॉर्म कर दें, हम आपके लिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल करने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू, प्लीज़ स्टे सेफ़।